मजदूर वाणी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं बलकार रामगढ़िया स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम खड़े हैं रानिया अनाज मंडी के बिल्कुल सामने तेग पेस्टिसाइड के ऊपर। वहां पर आम आदमी पार्टी की एक बैठक करी गई, उसमें रानिया हलके के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और आने वाले जिला परिषद और नगरपालिका के चुनाव उन पर चर्चा करी गई। हमारे साथ कृष्ण वर्मा जी हैं, जो के जोन प्रवक्ता भी हैं और जिला चुनाव प्रभारी भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आज की मीटिंग किस पक्ष में रखी गई और इस मीटिंग का क्या मोटिव था। नमस्कार जी, स्वागत है वर्मा जी आपका मजदूर वाणी टीवी पर। नमस्कार जी, आज जो मीटिंग है उसके बारे में बताएं क्या है। देखिए, आज रानिया के अंदर हमारे जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं राज सिंह जी कंग व हैफी सिंह जी जो वरिष्ठ पार्टी के यहाँ से नेता हैं, उनके प्रतिष्ठान पर मीटिंग करी गई। तो ये मीटिंग का मुख्य मकसद यही था कि आने वाले जो चुनाव है, नगरपालिका और पंचायती जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव है, वो पार्टी लड़ने जा रही है और इसको लेकर हम लगातार पिछले 5-7 महीने से पार्टी एक्सरसाइज कर रही है और पूरे हरियाणा में चुनाव लड़े जाएंगे। इसी को लेकर आज जो शहर का चुनाव है, चेयरमैनी व वार्ड पार्षद का चुनाव है, उसको लेकर चर्चा हुई। कई कार्यकर्ताओं ने वार्डों के में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। चेयरमैनी के लिए भी 2-3 नाम आए, जिसमें कई नाम तो ऐसे हैं, बहुत बड़े लेवल के वरिष्ठ नाम हैं जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, उनके नाम सामने आए हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा लेकर एक खाका तैयार किया गया है और ये पार्टी हाईकमान के सामने रखा जाएगा। उसके बाद पार्टी हाईकमान जो डिसाइड करेंगे कौन सा नाम उचित है जिसको चुनाव लड़ाया जाए। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह है चुनावों को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं हम इससे पहले गुजरात में भी नगर निगम के चुनाव लड़े, यूपी में भी लड़े, उत्तराखंड में लड़े और कई स्टेट, वहाँ से बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी को मत मिला और रुझान मिला है। हरियाणा में भी हम अहम भूमिका निभाएंगे और आने वाला चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी के हित में होगा। क्या ये जो चुनाव आ रहे हैं इसको आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी? बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी जो सिंबल है, झाड़ू का जो निशान है, उस पर लड़ेगी। पार्टी ही इस सिंबल को लेकर आगे जाएगी और जो आज आप देख रहे हैं पार्टी का मुद्दा जो रहेगा वो नगर पालिकाओं के अंदर, चाहे सिरसा जिला की जो तमाम सभी नगर पालिकाएं, चाहे सिरसा है, चाहे इलाहाबाद है, चाहे रानिया है, चाहे डब्बाली है, चाहे कालियावाड़ी है, सब में बेशुमार भ्रष्टाचार पनपा हुआ है और जगह जगह जो है बेकायदगियाँ और जो है लोग दुश्वारियों से रोज 2-4 हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। पंचायती चुनाव में आम आदमी पार्टी का मेन मुद्दे क्या है जिसको लेकर चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी? पंचायत में भी यही चीज है। आम आदमी पार्टी सोचती है कि जो पहली इकाई है, यानी सरकार की पहली इकाई पंचायत व नगर निगम नगर निकाय होता है, उसमें जो पनपा भ्रष्टाचार है उसी को लेकर का मुद्दा हमारा रहेगा। आज आप जैसे नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार है, उसी तरह पंचायतों में भी बहुत बड़ा लेवल का भ्रष्टाचार है और ये सरकार के इशारे पर है, ये नहीं है जो अफसर लोग कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ये सरकार के इशारे पर फैला रहे हैं और इस यही हमारे मुद्दे रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण वर्मा जी और हमारे साथ संगठन मंत्री हैप्पी सिंह जी भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, आज की मीटिंग के बारे में क्या कहना है आपका? अज की मीटिंग रानिया के अंदर करेगी आम आदमी पार्टी के सारे ही जो कार्यकर्ता पदाधिकारी वो इतने उपस्थित रहे। साढ़े विच कृष्ण वर्मा जी पहुंचे जेडे कि चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, तो पश्चिमी जोन के जेडे प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी के, वो इतने विशेष तौर पर पहुंचे साढ़े विच। जो मकसद है जी साडा, एक ही मकसद है आम आदमी पार्टी का कि जिहड़ा असी लोगों आम जन तक जिहड़ियां मूलभूत सुविधावां ने वो पहुँचा सकी, जिहड़े साडे स्कूल ने वो वधिया करे जा सकन, एक शिक्षा का स्तर वधाया जा सके, जिहड़ा साडा स्वास्थ्य है वह सही करिया जा सके, जिहड़ी साडे होस्पिटल ही बीमार ने तो बीमार लोगों दुरुस्त किदां करनगे। सो आम आदमी पार्टी का सब तो पहला मोटिव यह हुंदा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का। साडी पार्टी का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हरियाणा के अंदर जिहड़े साडे जिन्ने भी इलैक्शन जिहड़े आ रहे हैं वो इलैक्शन लड़ के इस भ्रष्टाचार को दूर करके जिहड़ियां इन्हां चीज़ों के प्रति आवाज़ उठाई जाए, उस तो बाद आने वाले समय के जिहड़ा 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जा सके, उस दे लई दिन रात मेहनत करनगे साडे पदाधिकारी। जिहड़ियां लोगों दीआं समस्यावां ने, जो भ्रष्टाचार इस टाइम आपके पूरे चरम ते है, वो खिलाफ़ जिहड़ी वो आवाज़ चुकी जाएगी रल के जी। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। नगरपालिका और जिला परिषद के जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ने जा रही है। तो जैसे ही नई नई अपडेट आएगी हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।